जो वसम गाइस, तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ इसी टाइप की फोटो को एडिट करना सिखाने वाला हूँ। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं केवल लाइटरूम ऐप की मदद से। तो जो भी भाई इस वाले वीडियो को ना शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेगा, वो भी लाइटरूम ऐप का यूज करके कुछ इसी टाइप की फोटो को एडिट कर लेगा। और मैं 110% लिख के देता हूँ कि वीडियो के लास्ट में आप भी इन दोनों टाइप की फोटो को एडिट कर लेंगे। और वीडियो के एंड में आपका भाई दोनों टाइप की फोटो को वन क्लिक में भी एडिट करना सिखा देगा। तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा। उससे पहले गाइस, आप अपने गैलरी से ओरिजिनल फोटो को लीजिएगा और लेने के बाद इसकी शेयर के आइकन पे क्लिक करके और इस फोटो को लाइटरूम के अंदर शेयर कर लीजिएगा। और मैं सीधे लाइटरूम ऐप को ओपन करता हूँ, वहां पे आपको सारी प्रोसेस बताता हूँ। तो व्हाट्सअप गई, जैसे ही आप लाइटरूम ऐप को ओपन कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस टाइप के इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सिंपल से ऑल फोटोज के आइकन पर क्लिक करके अपनी फोटो को सिलेक्ट कर लीजिएगा। और गाइस, इसी फोटो को हम लोग एडिट करने वाले हैं और आपका भाई बहुत ही आसान तरीका बताएगा। तो वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा तभी आप फोटो को एडिट कर पाएंगे और वन एंड में आपका भाई वन क्लिक में भी एडिटिंग सिखा देगा। तो सबसे पहले स्टेप में साइड में ऐसे स्क्रॉल करेंगे और इसकी कलर्स के आइकन पे हम लोग ऐसे क्लिक कर देंगे। और कर लेने के बाद यहीं पे आप ना अगर सेटिंग को अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आप फोटो को एडिट कर लेंगे। तो सेटिंग को अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा। सबसे पहले वाइब्रेंस की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 22% करेंगे, सेचुएशन की वैल्यू इंक्रीज करके 6% और इसकी टिंट की वैल्यू डिक्रीज करके ना इसे -14 कर लेंगे, टेम्प की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 8% कर लेंगे। और ये सेटिंग कर लेने के बाद आप को कुछ भी नहीं करना होगा। ऊपर साइड में ना यहाँ पे मिक्स टूल के बगल में एक ग्रेडिंग का आइकन मिलेगा, तो इस पे आप लोग टाइप कीजिएगा और आप लोग को ऐसे स्क्रॉल करके साइड में ना यहाँ पे हाईलाइट वाले सेक्शन में आना होगा और आप अपने फिंगर से पकड़ के आप इसे ब्लू साइड में ऐसे कर दीजिएगा। और कर लेने के बाद सिंपली आप नीचे आइएगा, ब्लेंडिंग की वैल्यू इंक्रीज करके 65% कर दीजिएगा, बैलेंस को यहाँ पे 12% और इसके लूमिनेस की वैल्यू डिक्रीज करके -19% करके। और यहाँ पे आप लोग सिंपल से क्या कीजिएगा, मिड टोन में आके और यहाँ पे अपने फिंगर से पकड़ के बिल्कुल थोड़ा सा ब्लू साइड में कर लीजिएगा। और इसकी ह्यू की वैल्यू 220 रखिएगा, सिचुएशन को 21% और सिंपल से आप लोग डन क्लिक कर दीजिएगा। और आपका भाई जो भी स्टेप आप लोग के साथ शेयर कर रहा ना, केवल आप उसे फॉलो कीजिएगा। वीडियो के एंड में अब भी कमाल की फोटो को एडिट कर लेंगे। इसके बाद मिक्स टूल के आइकन पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले गाइज हम लोग क्या करेंगे, ब्लू कलर को सिलेक्ट करके सेचुएशन की वैल्यू डिक्रीज करके -100 कर देंगे, ह्यू की वैल्यू भी डिक्रीज करके -100 कर देंगे, इक्वा ब्लू कलर को सिलेक्ट करेंगे, इसकी भी सेचुएशन की वैल्यू डिक्रीज करके -100, ह्यू की वैल्यू भी डिक्रीज करके -100। देन दोस्तों इसके बाद आपको ग्रीन कलर को लेना होगा और इसकी सेचुएशन की वैल्यू डिक्रीज करके -100 करिएगा। और इसके बाद आप क्या कीजिएगा ना, इसकी ह्यू की वैल्यू डिक्रीज करके -100, लुमिनस की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 100 और इसकी सेचुएशन की वैल्यू आप फिर से यहां से इंक्रीज करके प्लस साइड में 100 कर दीजिएगा। और ये सेटिंग आप जैसे ही कीजिएगा तो अब यहाँ से आप कमाल देखिए, हम लोग का फोटो ना येलो टोन में आ रहा है। सिंपल से आप लोग को यहाँ से येलो कलर को सिलेक्ट करके इसके लुमिनेंस की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 67% करिएगा, सिचुएशन को पूरा डिक्रीज करके -100 कर लीजिएगा और ह्यू की वैल्यू ना आप यहाँ पे थोड़ा सा प्लस साइड में रख लीजिएगा, बिल्कुल थोड़ा सा प्लस साइड में 7% रख लीजिएगा। और सिंपल से आप लोग को ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना होगा, सेचुएशन की वैल्यू डिक्रीज करके -15 कर लीजिएगा, लूमिनेंस की वैल्यू इंक्रीज करके 25% प्लस साइड में, रेड कलर को सिलेक्ट करके सेचुएशन की वैल्यू इंक्रीज करके 56% करके और यहां से डन क्लिक कर लीजिएगा। और डन आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। और वीडियो के एंड में आपको भाई वन क्लिक में भी एडिटिंग सिखाएगा और ग्रीन टोन की कैसे आप फोटो को वन क्लिक में एडिट करेंगे ये भी बताएगा। उससे पहले गाइज हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से दूसरे वाले स्टेप में इफेक्ट के आइकन पे क्लिक करके इसकी विग्नेट की वैल्यू हम लोग कम करके -39 कर लेंगे, क्लियरिटी की वैल्यू डिक्रीज करके -12 करेंगे, डीआईएस की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 12% कर देंगे, टेक्सचर की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 12% कर देंगे। दोस्तों ये सेटिंग कर लेने के बाद आपका दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप फेस को स्मूथ करना चाहते तो ये भी आपका भाई बताएगा और ये कंप्लीट ट्यूटोरियल होने वाला है, तो वीडियो को कंप्लीट आप लोग देखिएगा। तो तीसरे वाले स्टेप में यहाँ पे ना डिटेल्स के आइकन पे आएंगे, शार्पनिंग की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 42% कर देंगे, मास्किंग की वैल्यू इंक्रीज करके 56% और इसकी नॉइस रिडक्शन की वैल्यू इंक्रीज करके 39% और इसकी कलर्स नॉइस रिडक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज करके 41% करके पूरा नीचे आके ना स्मूथनेस की वैल्यू 100% कर दीजिएगा। और ये सेटिंग आप जैसे ही कीजिएगा तो ऑल्ट वाले की पूरी फोटो एडिट होके आ जाएगी, जो देखने में काफी ऑसम एंड फारसी दिख रही है।
तो गाइस अगर आप ग्रीन टोन की फोटो को एडिट करना चाहते हैं तो ये भी आपका भाई बताएगा, वन क्लिक में भी एडिटिंग बताएगा। उससे पहले हम लोग ग्रीन टोन की एडिटिंग सीख लेते हैं। इस फोटो को आप शेयर के आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे सेव टू डिवाइस कर दीजिएगा। येलो टोन में तो हम लोग का सेव हो जाएगा फोटो, लेकिन ग्रीन टोन में एडिट करने के लिए कलर्स के आइकन पे आइएगा। मिक्स टूल के आइकन पे आके ग्रीन कलर को सिलेक्ट करके ना इसकी ह्यू की वैल्यू आप इंक्रीज करके प्लस साइड में करके और यहाँ पे ना डन क्लिक कर दीजिएगा और यही फोटो आपका ग्रीन टोन में भी एडिट हो जाएगा। और दोनों फोटो का प्रीसेट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो इजीली जाके प्रीसेट को डाउनलोड करके आप वन क्लिक में एडिटिंग कर सकते हैं। और फोटो को सेव करने के लिए शेयर के आइकन पे क्लिक करके सेव टू डिवाइस कर दीजिएगा, आपका फोटो गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।